मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी अडानी भाई भाई, अडानी का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया। अडानी को नरेंद्र मोदी ने 8 साल में अडानी जी घोटाला किया। महंगाई आसमान पे पहुंच गई, महंगाई को हटाना है, इसलिए किसको हटाना है? इस देश से बेरोजगारी हटाना है, इसलिए किसको हटाना है? उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, 40। अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है। बताओ, अडानी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इस जंतर मंतर से देश की सत्ता पर बैठी हुई गूंगी बहरी सरकार को एक नहीं अनेक बार जगाने की कोशिश की कि मुल्क के लोगों के लिए काम करो, वरना इस देश से तुमको हटना पड़ेगा। इसलिए हमने नारा दिया है, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। मुझसे आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप लोग मोदी को क्यों हटाना चाहते हैं, तो मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं इस देश में महंगाई आसमान पे है। डीजल का दाम महंगा हो गया, पेट्रोल का दाम महंगा हो गया, सरसों का तेल महंगा हो गया, आटा दाल चावल पे टैक्स लग गया, दूध दही छाछ पर टैक्स लग गया, कैंसर की दवा महंगी हो गई, टीबी की दवा महंगी हो गई, हार्ट की दवा महंगी हो गई। इस देश में गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया, महंगाई आसमान पे पहुंच गई। महंगाई को हटाना है, इसलिए किसको हटाना है? किसको हटाना है? मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं इस देश में बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, एक बीमारी की तरह पूरे हिंदुस्तान में। बेरोजगारी तो मोदी जी दूर नहीं कर पाए, लेकिन अग्निवीर योजना लाकर इस देश के नौजवानों के पीठ पर भी लात मारने का काम किया, पेट पर भी लात मारने का काम किया। इस देश से बेरोजगारी हटाना है, इसलिए किसको हटाना है? किसको हटाना है? बेरोजगारी हटाना है तो किसको हटाना है? मोदी जी को। इस देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। 3 काला कानून इस देश में किसानों के खिलाफ लाए गए, संसद में भी हम लोगों ने उसका विरोध किया, सड़क पर इस देश के किसानों ने उसका विरोध किया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे। आज तक किसानों के फसल का दाम दोगुना नहीं हो पाया। किसानों के फसल का दाम दोगुना करना है तो किसको हटाना है? किसको हटाना है? फसल का दाम पाना है तो किसको हटाना है? मोदी जी को। और क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी ने? इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है, 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए। और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, अपने पति से बचाकर जो 1500 की नोट घर के संदूक में रखी थी कि ये पैसा छोटा सा घर बनवाने में काम आएगा, ये पैसा बेटी की शादी में काम आएगा, ये पैसा कोई बीमार हो जाएगा तो उसके काम आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, माताओं और बहनों,
यही 1500 की नोट काला धन है, इसको भी जमा कर दो। आपका भी पैसा खाली करा दिया। और क्या किया मोदी जी ने 8 साल में? 8 साल में मुकदमा लिखने का काम किया, इस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा, उस पे मुकदमा। पत्रकार लोग कहते हैं मोदी जी सिर्फ 3 घंटे सोते हैं। मैंने कहा वाह मोदी जी, 3 घंटे सोते हो और 22 घंटे जगते हो, 21 घंटे जगते हो, तो बाकी 21 घंटे जग के क्या करते हैं मोदी जी? ये पकड़ा गया कि नहीं? वहां ईडी पहुंची कि नहीं? वहां सीबीआई पहुंची कि नहीं? वहां पुलिस वाला पहुंचा कि नहीं? यहां मुकदमा हुआ कि नहीं? वहां मुकदमा हुआ कि नहीं? ये जेल में गया कि नहीं? वो जेल में गया कि नहीं? अरे मैंने कहा मोदी जी, एक ही बार में सारे विपक्ष वालों पे मुकदमा कर लो, लेकिन आराम से सो, आराम से 8 घंटे की नींद सो। मुकदमे कर रहे हो, मुकदमे कर रहे हो, ईडी छोड़ रहे हो, सीबीआई छोड़ रहे हो, किसके ऊपर छोड़ रहे हो? इस देश के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर दिल्ली के 18 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया। जब केजरीवाल जी की सरकार बनी तो यहाँ सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। साथियों दोस्तों, आज उन सरकारी स्कूलों में जहाँ मकड़ी के जाले लगे रहते थे, केजरीवाल जी की सरकार ने, मनीष सिसोदिया ने, वहां पर एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाया है। ऐसे मनीष सिसोदिया को उठा के इन्होंने जेल में डाला। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। पिछले 7 साल से इंटर का रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का, दिल्ली का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतरीन आ रहा है। नरेंद्र मोदी जी को ये बात पसंद नहीं है। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल रही है? इस गुनाह में मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई आपत्ति नहीं है। 14 घंटे तक सीबीआई ने घर में पूछताछ की, पूरा घर खोद डाला, कह सकता है कपड़े फोड़ दिए, प्रधानमंत्री दीवारें तोड़ दी, गांव में छापा मारा, कुछ नहीं मिला, बैंक में छापा मारा, कुछ नहीं मिला, दफ्तर में छापा मारा, कुछ नहीं मिला। और बैंक का लॉकर चेक करने गए तो नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई को झुंझुना मिला, झुंझुना, झुंझुना लेके आए, झुंझुना, झुंझुना लेके आए। प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, मनीष सिसोदिया ने जो अच्छी शिक्षा देने का काम दिल्ली के लाखों बच्चों को किया, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार उस शिक्षा का काम जारी रखेगी। तुम्हारे जेल और मुकदमों से हम लोग डरने वाले नहीं है। हमारे दूसरे मंत्री सत्येन जैन मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल लेके आए, 200 तरह की जांच वहां फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दिल्ली में फरिश्ते स्कीम लागू है। दिल्ली के अस्पतालों में अगर 1 महीने से ज्यादा का डेट मिल गया ऑपरेशन का, सरकार ने कहा प्राइवेट में करा लो, पूरा का पूरा पेमेंट दिल्ली की सरकार करेगी। ये काम किया सत्येन जैन ने, गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे, ये काम किया सत्येन जैन ने। उस सत्येन जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली के 42 विधायकों के ऊपर फर्जी मुकदमे लिखे, उनको जेल में डाला, मुकदमे चले तो कोर्ट में बीजेपी की सरकार को और दिल्ली के पुलिस को लताड़ पड़ी कि क्यों फर्जी मुकदमे लिख रहे हो। यहाँ तक हद कर दी कि हमारे विधायक है सोमनाथ भारती, उनके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 दिल्ली पुलिस वाले गए थे, 40 दिल्ली पुलिस वाले गए। इतनी नफरत करते हो,
इतनी नफरत करते हो आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से चाहे जितनी नफरत कर लो नरेंद्र मोदी जी, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों का प्यार आम आदमी पार्टी के प्रति हर दिन बढ़ता जाएगा, वो प्यार तुम नहीं कम कर पाओगे। और अब 3 बार दिल्ली में सरकार बनी और दिल्ली का कारवा अब पंजाब में भी पहुंच गया, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, 92 सीटों की सरकार बनी और भगवंत मान जी की सरकार ने वहां पर सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। पंजाब के 90% लोगों के घर में 0 बिजली का बिल आता है, 0। झारखंड के शिव सोरेन भी है, सारे जितने और दिल्ली और पंजाब के अंदर नारे लगते हैं बिजली का बिल है 0, केजरीवाल और भगवंत मान है हीरो। कि अगर राजनेता कोई ये काम कर रहे हैं हम दिल्ली के लोगों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, लेकिन अभी पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है वो अभी जो शिक्षा पे काम कर रही है, स्वास्थ्य पे काम कर रही है, बिजली पे काम कर रही है, पानी पे काम कर रही है, इस देश के करोड़ों लोगों के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो सरकार किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, जोर से बोलिए, अडानी जी के लिए काम कर रही है। सब जानते हैं, सब जानते हैं अडानी जी के लिए काम कर रही है। इसलिए अब तक आपने 2G घोटाला सुना, कोयला जी घोटाला सुना, जीजा जी का भी घोटाला सुना, नरेंद्र मोदी ने 8 साल में अडानी जी घोटाला किया, अडानी जी घोटाला। और कितना घोटाला किया हमसे लोग कहते हैं, कितना घोटाला किया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने, आकाश में चले जाइए तो हवाई जहाज अडानी का, जमीन पर उतर आइए तो सीपोर्ट अडानी का, एयरपोर्ट अडानी का, सड़क पर चलिए तो सड़क अडानी की, पानी पीजिए तो पानी अडानी का, बिजली चलाइए तो बिजली अडानी की, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ नरेंद्र मोदी जी ने अडानी को दे दिया, अडानी को सब कुछ अडानी को दे दिया। तो मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आप इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो, जरा हमको बता दो, इंडिया के प्रधानमंत्री हो या अडानी के प्रधानमंत्री हो। इसीलिए मैंने कहा, मोदी जी के राज में आकाश से लेके पाताल तक अडानी को दिया, बैंकों से 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया, इतना कर्जा दिया कि 0 लगाते लगाते थक जाओगे। साथियों और दोस्तों, आज अडानी का घोटाला इस देश का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि अडानी के घोटाले की JPC से जांच कराओ और नरेंद्र मोदी और अडानी जो मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों का पैसा LIC में डूब रहा है, SBI में डूब रहा है, देश के बैंकों को लूटने का काम कर रहे हैं, आपको 2.5 लाख का कर्जा चाहिए, नहीं मिलेगा। अडानी को 2.5 लाख करोड़ का कर्जा मिला है, आपको 50,000 रुपए का कर्ज माफ करना है, नहीं होगा। अडानी का 86,000 करोड़ का कर्जा माफ हुआ है और वो अडानी अकेले मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनी खोलकर 42,000 करोड़ रुपए काला धन अपनी कंपनियों में हिंदुस्तान में लगाता है। बताओ अडानी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मोदी जी को JPC बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। इसलिए अंतिम में एक नारा लगा दो मेरे साथ कि मोदी अडानी भाई भाई, और मोदी अडानी भाई भाई, पीछे तक हाथ उठना चाहिए, पीछे तक
मोदी अदानी भाई भाई दोनों हाथ ऊपर कर, मोदी अदानी भाई भाई और मोदी अदानी भाई भाई और मोदी अदानी भाई भाई और मोदी जी एफआईआर लिखवा रहे हैं। एफआईआर जो जो लोग एफआईआर लिखवाने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ नारा लगाएंगे, जो डरेंगे वो नारा नहीं लगाएंगे। नारा क्या है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। अब मैं मोदी जी से कहूंगा कि जितने लोग यहाँ नारा लगा रहे हैं और हम लोग जो यहाँ बैठे हैं सबके ऊपर एफआईआर लिख के दिखाओ, सब पे एफआईआर लिखो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब।